हुक्मरान मजहब बेचते हैं, वो मजहब बेच बेच के सियासत करते हैं, और फिर इन लोगों को वो जैसे कहते हैं ना दूध पिलाते हैं, ये इनको फीड करते हैं और इन लोगों के सहारे लेके अपनी छोटी छोटी सियासत करते हैं, अपने छोटे छोटे मकासद हासिल भूल जाते हैं। ये बॉलीवुड मुसलमान, अच्छा वैसे माशाल्लाह नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे टैलेंट सिर्फ उन्हीं में ज्यादा, मुसलमान बाद में है भाई, पहले भारतीय हैं, दे ऑल आर इंडियन फर्स्ट, दोनों अहलकारों की ड्यूटी पर एमएओ कॉलेज सेक्रेटेरिएट पर थी मुल्तान रोड से शुरू होने वाला एहतजाज। तो दोस्तों आपने आगे छोटे से जो क्लिप देखे हैं आप समझ रहे हो तहरीक लब्बैक बॉयज धमाल मचा रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर से ये निकलने वाले हैं और इस्लामाबाद तक ये मार्च करने वाले हैं और जो भी बीच में आ रहा है वो तोड़फोड़ के बेहतरीन निकल रहा है और बीच में इनकी भिड़ंत भी हो रही है, जो पाकिस्तान की पुलिस है या जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो लगाई गई हैं उनसे अच्छी खासी भिड़ंत हो रही है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों पाकिस्तान में हालात क्या है। कल मैच और मैच से पहले पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज़ है जैसे कि लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यहाँ पर बहुत सारे एरिया पे नेट बंद किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो तो लब्बैक बॉयज़ की डिमांड ये है कि जो फ्रांस है फ्रांस से ये रिश्ते विश्ते ख़त्म करो, जो सफ़ीर है अपना एम्बेसडर है उसको वहाँ से बुलाओ, यहाँ से बुलाओ, ऐसी डिमांड इनकी। और इनका जो लीडर है साद रिज़वी उसको भी बंद किया, उसको छोड़ो। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादा किया था कि इनको हटाएंगे वो वादा पूरा करो। तो लब्बैक बॉयज़ को तो अपना फुल सपोर्ट है भैया, सीधी बात है, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है तो इस्लाम की रक्षक जो है जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है और इनको पूरे संबंध तोड़ने चाहिए यूरोपियन यूनियन से। सारे जितने भी एम्बेसडर हैं सबको निकालो जिन जिन ने इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोला है। तो चलिए दोस्तों पहले पूरा वीडियो देखते हैं। कमर चीमा आप जानते हैं दोगले का, मैंने थोड़ा सा आगे दो तरीके के वीडियो लगाए हैं, दोनों आपने देखे हैं, फिर आखिरी में इसके बारे में करते हैं बात। कॉलेज सेक्रेटेरिएट पर थी मुल्तान रोड से शुरू होने वाला एहतजाज रैली पर पुलिस ने इस वक्त शेलिंग की है जब मुजाहिरीन यतीम खाना चौक से रुकावटें हटाकर एमएओ कॉलेज तक पहुंच गए। एमएओ कॉलेज के करीब पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग कर दी। कॉलेज के करीब पुलिस की भारी नफरी तैनात है। दूसरी तरफ तर्जुमान मुजाहिरीन का कहना है कि मुजाहिरीन पैदल हैं, पुलिस पर गाड़ियां चढ़ाने का इल्ज़ाम गलत है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब, ये हो क्या रहा शहर में, सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए ये कंप्लीट फेलियर है, हकुर है हुकूमत का, और शाहजहां में भी थे, रावी पुल पर भी थे, तो वो सारे कंटेनर उन्होंने हटा दिए। ताकत से ये मामला हल नहीं होगा, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी कंटेनर लगा के अभी आपने शहरियों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर दी है। अभी यहाँ पर कोई प्रोटेस्टर नहीं है, कोई किसी ने कोई डिसरप्शन नहीं की, गवर्नमेंट ने डिसरप्शन कर दी है। और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो ताकत के इस्तेमाल से ये चीज रोक सकती है तो फिर वो लाहौर में क्यों नहीं रुकी? ये बिल्कुल इसका वजीर दाखिला आ गए हैं। आप साद रिज़वी को रिहा करें और बैठकर उनके साथ मुज़ाकरा करें। और दूसरा, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो सबका राइट है। वजीर आजम साहब 126 दिन बैठे रहे यहाँ पे डी चौक में। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान जब आए तो उनको F9 पार्क और दूसरी जगहों पे जगह दी गई करने के लिए। तो भाई आप इनको भी एक जगह दे दें, इनसे कहें कि फैजाबाद नहीं, आप किसी पार्क में किसी जगह पर जहां जिंदगी मुतासर ना हो, और आप अपना पुरमन एहतजाज करें, मुजाहरा करें और गुफ्तगु भी साथ शुरू हो जाएगी। ये ताकत का इस्तेमाल के मैं तुम्हें मुजाहरा करने दूंगा, तुम्हें नहीं करने दूंगा, ये कुछ पाकिस्तान है, एक जमहूरी मुल्क है, आईनी जहां पर कानून है जो तमाम चीजों को रेगुलेट करता है, तो इसको इस तरीके से नहीं चलाना चाहिए। हुकूमत को ये भी पाकिस्तानी है, हमारी फोर्स जो है, पुलिस फोर्स जो है, उसको इतना प्रेशर उस पर नहीं डालना चाहिए। वो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, पाकिस्तान लोग तमाम कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनको एक ऐसे क्राउड के सामने फेंक रहे हैं जो अल्लाह का नाम ले रहा है, जो नारा है रिसालत लगा रहा है। एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन पैदा हो गई और इसकी वजह सिर्फ एक है, ये अहद शिकनी, झूठ। अगर माजी में ना झूठ बोले होते, वादे जो है वो करके ना तोड़े होते, तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब भी वक्त है कि आज जो पुलिस पीछे हट गई और वो मुजाहिरीन आ रहे हैं, बिकॉज तसादम पुलिस का नुकसान हो या मुजाहिरीन का नुकसान हो, पूरे को नुकसान है। उन्हें एक जगह पर एहतजाज करने की इजाजत है, गुफ्तगू उनसे शुरू करने का। ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉब है जो कि बैंड मजहबी जमात का एक मॉब लाहौर से चला है और उसने पाकिस्तान की जितनी भी मेन जीटी रोड है उसको ब्लॉक किया हुआ है और हुकूमत खुश होती है ये बताते हुए
कि हमने फलां इलाका क्लियर करवा लिया। इस वक्त तीन उन्होंने पाकिस्तान उन्होंने पुलिस के जो नौजवान है उनको शहीद कर दिया है और हुकूमत खुश हो रही है कि हमने लाहौर का फलां इलाका खाली करा लिया या फलां इलाके में इंटरनेट बहाल हो गया। असल में क्योंकि वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं तो वो जो इलाके छोड़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बहाल होते जाते हैं। अब आइंदा आने वाले जो शहर हैं वो सारे के सारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है कि पूछे कोई इनसे कि अगर सड़कों के ऊपर हजूम ने हुकूमत करनी है, अगर सड़कों पे ऊपर मजहबी इंतहा पसंद लोगों ने हुकूमत करनी है तो किस तरह का पैगाम जा रहा है? क्या हमने वाकई ही हुकूमत या मुल्क एक मॉब जत्थों को दे दिया है? हमें हर दफा ये बताया जाता है, हर दफा ये कहा जाता है, हर दफा रियासत पाकिस्तान और उसके नुमाइंदे और हुकूमत हमें ये कहती है, अपनी आवाम को कहती है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन ये किस तरह की सिक्योरिटी है, ये किस तरह का इंतजाम है कि पिछले कितने सालों से एक मजहबी जमात जब उसका दिल करता है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देती है, जब उसका दिल करता है वो पुलिस के नौजवानों को शहीद कर देती है और उनको इंसाफ भी नहीं मिलेगा। अब वो जो तीन पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं और आइंदा अभी पता नहीं कितने शहीद होने हैं, क्योंकि अभी तो हुकूमत ने उनसे लड़ना ही छोड़ दिया, अभी तो हुकूमत ने उनको रोकना ही छोड़ दिया है और वो जीटी रोड के रास्ते इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो यहाँ पे फैजाबाद में धरना देंगे, इस्लामाबाद के दिल को वो रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद के अंदर जो सफारतकार है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो तमाशा देखेगी, बैनुल अक्वामी मीडिया जो इस वक्त अफगानिस्तान को कवर करने आया हुआ है, इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में बैनुल अक्वामी मीडिया लाहौर कराची और इस्लामाबाद में है और मेजॉरिटी लाहौर और इस्लामाबाद में है जो इस वक्त कवर तो अफगानिस्तान के मौलवियों को और उलमा को और वहां पे तालिबान को कवर करने आया, वो अब टीएलपी को कवर करेगा और बताएगा कि देखें जी कि वो पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान के उलमा को और तालिबान को कंट्रोल करने की बात करता है उसके अपने मुल्क के जो मौलवी हैं या मुल्क के जो फनाटिक्स हैं वो कंट्रोल नहीं होते, ना ये इलेक्शन पे यकीन करते हैं, ना ये डेमोक्रेसी को मानते हैं, ना ये वक्त की हुकूमत को मानते हैं, ना ये अपनी स्टेट के किसी कानून को मानते हैं, वो एक ही चीज मानते हैं और वो है कि जो उनकी डिमांड्स हों वो उनको उनकी एक्सेप्ट की जाए। अच्छा यहाँ पे अगर बात की जाए, हमें पूरी जिंदगी 75 साल हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया, हमें ये दिखाया गया और कहा गया 75 साल कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो भारत है। भारत बिल्कुल हमारा दुश्मन है, भारत की और हमारे 75 साल से बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मुझे याद है भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह की भी बात जिन्होंने कहा था द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज विद इन, और वो उस वक्त नेक्सलाइट्स को कहते थे, और मैंने अपने भी लोगों को सुना है जिन्होंने कहा है जो बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो इंटरनल है। सो इंटरनल थ्रेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल थ्रेट्स तो हमने बहुत बेचे, हमने बेच बेच के एक्सटर्नल थ्रेट को बेचा। हमारे हमारे लोगों ने, हमारी हुकूमतों ने, हमारे अदारों ने एक्सटर्नल थ्रेट को फिलहाल खतरा, उस मुल्क से खतरा, इस मुल्क से खतरा। लेकिन आज पता चलता है 2021 की इस अक्टूबर में पता चलता है और पहले भी हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा जो खतरा है किसी रियासत को वो इंटरनल है। पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली हुई है, अब जो आपको खतरा है वो उन फनेटिक्स से है जो मुल्क के कानून को नहीं मानते। अब हमने ये फैसला करना है कि क्या हमने अपनी स्टेट की रिट को एस्टैब्लिश करना है, हमने क्या अपने रियासत की जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है, या हमने इनके हाथ में जत्थों के हाथ में दे देना है और हमने अपनी पुलिस की तजलील करवानी है क्या इन लोगों से? देखें आपकी जो रियासत होती है, एक पुलिस वाला जो है वो एक जहां पे खड़ा होता है उसको सारा मुआशरा जो है, जो लोग हैं उसको रूल्स को फॉलो करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करवाना, बिकॉज पुलिस इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेकिन अब यहाँ पे देखें, एक तरफ पाकिस्तान की T20 का मैच हो रहा है कल, आपकी सारी लॉ एनफोर्समेंट बिजी है पाकिस्तान के अंदर, और हमने जो T20 का मैच खेलना है वो तो इंडिया के खिलाफ खेलना है, और इंडिया के अंदर इस वक्त जो है वो कितने मजहबी इंतहा पसंद जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं पाकिस्तान में ये जो। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, यहाँ पर 3-4 वीडियो थे मिक्स करके डाला हुआ था मैंने, तो लबैक बॉयज हैं जो तहरीके लबैक पार्टी है, एक रिलीजियस पार्टी है जो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रही है पिछले 2 साल से,
जो भी मतलब दुनिया में अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ होता है तो ये लबैक बॉयज निकलते हैं, अपने ही शहर को जलाते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं, एम्बुलेंस से मरीजों को निकाल के मारते हैं। तो ये है इनका लबैक बॉयज का तरीका। तो जो लबैक बॉयज हैं दोस्तों, ये अभी फ़िलहाल फिर से एक बार इन्होंने चेतावनी दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। इमरान खान ने भी उनको पोपट किया था, इनको वादा किया था कि जी मैं निकाल दूंगा, टीवी पर आकर वादा किया था, और अभी ये निकाल नहीं रहे एम्बेसडर से, उनसे सारे संबंध तोड़ नहीं रहे फ्रांस से। तो आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, तीन देश में ये प्रदर्शन हुए थे। अगर आपको अच्छे से याद होगा, पेंडेमिक के पहले बायकॉट फ्रांस यहाँ पर भी काफ़ी ट्रेंड किया था। तो भारत में भी है लबैक बॉयज बहुत सारे हैं भारत में, बांग्लादेश में तो है, आपने हाल ही में देखा क्या हुआ नवरात्रि में, तो वहाँ पर भी लबैक बॉयज हैं। तो ये सब इनका अच्छा है मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तान जो मतलब 15 अगस्त 1947 को ही बना था, 14 ये करते हैं सेलिब्रेट, उस तारीख को बना इस्लाम के नाम पर। तो इस्लाम में जो भी अगर दुनिया में कुछ भी हो, भले उसमें सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम, जहाँ से इस्लाम बेसिकली दुनिया में फैला, वो कुछ ना बोले, लेकिन पाकिस्तान का बनता है बोलना, पाकिस्तानियों को करना चाहिए। पाकिस्तानियों को, यूरोपियन यूनियन को, फ्रांस को अपने जो इस्लामी बम है, जो उनका न्यूक्लियर बम है, इसकी धमकी भी देनी चाहिए और इस तरीके की ये हरकतें करनी चाहिए। कमर चीमा का आपने वीडियो देखा, मैंने स्टार्टिंग में 2 क्लिप लगाई यहाँ पर। ये शाहरुख खान को बोलते हैं कि कमर, शाहरुख खान जो है बेसिकली मुस्लिम, पहले फिर इंडियन, बाद में, फिर बाद में बोलते हैं ये कैसे लोग हैं, ये इस धर्म को बेचते हैं। कमर चीमा मत करो यार, दोगलापन मत करो प्लीज़, आप भी उसी जगह से हो। दोस्तों अगर पाकिस्तान में कोई मान लीजिए डॉक्टर है, MBBS का डॉक्टर है, तो आप क्या उसे एजुकेटेड समझेंगे? इंडिया को लेकर किस तरीके ख्याल रखेगा भाई? उसने जो बेसिक एजुकेशन प्राप्त किया होगा उसमें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की वीडियो पड़े हैं। आप डालिए पाकिस्तानी बुक हेट्रेड ऑन हिंदू क्रिश्चियन ईसाई तो मिल जाएंगे आपको। तो उसने वो वाली बुक्स पढ़ी हैं बेसिक लेवल पे 10th 12th तक, और उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर में जाके तो हिस्ट्री या ये सब चीज़ें तो पढ़ी नहीं होंगी, उसने हिस्ट्री वगैरह तो वही वाली पढ़ी होंगी जिसमें मंदिर लूटना, सोमनाथ के मंदिर को लूटना मतलब प्राइड बोला जाता है, काफिरों को आप समझ रहे हो मारना प्राइड माना जाता है। तो वो डॉक्टर भी उसी तरीके के माइंडसेट का होगा, तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। एजुकेशन और जो हेट्रेड की बुनियाद पर अगर आप देश बनाते हो, और आपकी बुनियाद ही वही है कि आप इसी बात पर जिंदा रहोगे, तो आप समझ सकते हो दोस्तों, तो उस डॉक्टर की गलती नहीं रहेगी। तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों तहरीके लबैक बॉयज हैं, ये धमाल मचाए हुए हैं, और इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया ने पहले ही बोल दिया है कि कवरेज ना दी जाए। जैसे कि जो तहरीके लबैक बॉयज़ हैं उनको बहुत पीटा गया है, और इन्होंने भी मारा है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदों को मारा है। 1-2 पुलिस वाले बेचारे जो लठिया वगैरह है, जो लठ वगैरह लेके घूम रहे होंगे, उनको मार दिया इन्होंने। जो फौज है जिनके पास आंसू गैस के गोले या हथियार रहे होंगे, उनको नहीं मार पाए होंगे। तो ये भी दे रहे हैं टफ टफ चैलेंज दे रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो उम्मीद करते हैं ये बॉयज़ सफल हों अपने मिशन पर, और मतलब ये बिल्कुल काम कर ही रहे। फ्रांस से जो कनेक्शन है इनका पाकिस्तान का, अगर ये टूट जाएगा तो डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखें दोस्तों, एक भारत मतलब इस वीडियो में आकर नीचे कुछ लोग कमेंट करेंगे, यार तुम कैसी बात कर रहे हो यार, वहाँ पर शांति रहनी चाहिए। भैया ये लोग जब अपने देश के बारे में कुछ अच्छा सोचना ही नहीं चाहते। ये कश्मीर में आप अभी नई लहर देख रहे हो, आप नई लहर देख रहे हो। मेरा एक मतलब रिश्तेदार का मतलब पड़ोसी मारा गया है, बेचारा फौजी 20-22 साल का था, समझ रहे हो आप। तो मतलब कश्मीर में फिर से एक नई लहर आई है जो आतंकवाद की। कौन है इसके पीछे, क्या है तेरा मेरा रिश्ता, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उस नाम पे ये पूरा इन्होंने जनरेशन बर्बाद कर दी है। तो इन लोगों को उसके नाम पर इनको भी बर्बाद होना बनता है, समझ रहे हो आप। इसी जन्म में इनको वो पाप का घड़ा इनका फूटना बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये फ्रांस के खिलाफ कंटिन्यू रहेगा, और यूरोपियन यूनियन भी वहां से भाग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल